हेलो एवरीवन। तो इस हॉबी में मुझे अब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये 2.5 फीट का टैंक जो इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, ये था मेरा पहला टैंक। मैंने जब ये हॉबी शुरू की थी तो मुझे एक्वेरियम का कोई आइडिया नहीं था और ये सेटअप आप जो देख रहे हैं वो भी एक्वेरियम शॉप वाले ने किया था। पर अब मुझे इस हॉबी में थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने सबस्ट्रेट में सैंड स्टोन्स दोनों को यूज़ किया है, दोनों के बीच डिफरेंस देखा, और इसी तरह फ़िल्टर की बात की जाए तो मैंने काफ़ी फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। तो कब कौन से फ़िल्टर यूज की जाए इसका भी आइडिया मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हुआ है और मैं अपनी वीडियोस में वही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने एक टब ले लिया जिसमें मैंने इसी एक्वेरियम का पानी निकाला, क्योंकि इस टैंक में मेरे जो फिशेस हैं उन्हें मैं इस टब के पानी में रख सकूँ। मैं अपने इस 2.5 फीट के टैंक का पूरा लुक चेंज करूँगा और ये नॉन प्लांटेड एक्वेरियम होने वाला है। आगे चलकर मैं एक प्लांटेड एक्वेरियम भी सेटअप करूँगा अपने बेटा फिश के लिए, जिसका एक्सपीरियंस मैं जल्दी इसी चैनल पर शेयर करूँगा। तो फिर मैं लग गया अपने काम पर। मैंने पहले के डेकोरेशंस, प्लांट्स, ये सब हटाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे पूरा ये टैंक खाली करना था। ये कलरफुल स्टोन्स भी हटाने थे। स्टोन्स हटाने से पहले मैंने सारे फिशेस को निकाल कर टब में डालना शुरू किया। वैसे इस टैंक पे मेरे पास ग्लोफिश टेट्रा, गप्पी फिश और मॉली फिश है, साथ ही साथ इसमें एक 6 से 7 इंच का प्लेको भी है। मैं जब इस हॉबी में नया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कलरफुल स्टोन्स फिश के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और सच बताऊं तो इससे टैंक भी बचकाना लगता है। मैंने अपने 4 फीट के टैंक में पहले कलरफुल स्टोन्स के जगह नेचुरल स्टोन्स और सैंड ये रिप्लेस किया है और उससे लुक नेचुरल और अच्छा लगता है। शुरू में मैंने नेट से जितने भी फिश पकड़ में आए उन्हें टब में डाल दिया, फिर थोड़ा सा पानी और कम किया ताकि बाकी बचे हुए फिश को मैं आराम से पकड़ कर टब में डाल सकूँ। वैसे ये ग्लोफिश, गप्पीज और मॉलीज काफ़ी फास्ट हैं या स्मार्ट है, पर वो जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे। और इस तरह से कुछ देर के बाद मैंने टैंक के सारे फिश को अपने टब में डाल दिया और इस टब में मैंने एयर फिल्टर का भी आउटपुट डाल दिया। तो अब बारी थी इन कलरफुल स्टोन्स को हटाने की। फाइनली मैंने सारे कलरफुल स्टोन्स को धीरे धीरे करके हटा लिया और अपने टैंक को भी अंदर से अच्छे से साफ कर लिया। शुरू से मैं कलरफुल स्टोन्स की बुराई कर रहा था, तो कलरफुल स्टोन्स तो मैं दोबारा से यूज़ करूँगा नहीं, अब मैं इसमें नेचुरल रिवर स्टोन्स डालूँगा। ये 10 किलो के रिवर स्टोन्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। मैंने इन स्टोन्स को कई बार पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया और इसमें जो भी अनवांटेड चीज़ें थी उन्हें भी हटा दिया। अब नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ करूँगा सैंड। ये सिर्फ 3 किलो सैंड है जो मेरे टैंक के सिर्फ कुछ एरिया के लिए है। मेरे टैंक का मेजर एरिया नेचुरल स्टोन से ही कवर रहेगा। तो सैंड को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया जिसे मैं टैंक में अब यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मेरा टैंक रेडी था, इसमें जाने वाले सैंड और स्टोन्स भी रेडी थे, तो मैं शुरू हो गया इसे नया लुक देने में। मैंने अमेज़ॉन से कुछ डेकोरेशन आइटम्स भी मंगवा लिए थे, जिसमें एक ब्रिज था और एक प्लांट, एक आर्टिफिशियल प्लांट है। इस ब्रिज को मैं इन दोनों स्टोन्स के लेयर के बीच में लगाऊंगा और बीच में एक गैप रहेगा।
फिर मैंने प्लेस कर दिया वो ब्रिज और मुझे लगता है अब आइडिया हो गया होगा आपको कि ये कैसा दिखने वाला है और मैं सैंड का क्या करने वाला हूँ। और अब टाइम आ गया था सैंड को ऐड करने का। इस बीच मैंने काफ़ी बार फिश को भी ऑब्जर्व किया और मेरा सारे फिश काफ़ी अच्छे से थे। फिर मैंने स्टार्ट किया सैंड को ऐड करना। ये सैंड मेरे दोनों स्टोन्स के लेयर के बीच में जाएगा इस ब्रिज के नीचे और बिल्कुल एक रिवर जैसा लुक देगा। और इस तरह से मेरे टैंक का ओवरऑल लुक रेडी हो चुका था। तो कुछ इस तरह का नया लुक है जिसमें मैं वाटर ऐड करूंगा और एक प्लांट जो मैंने लाया था उसे भी लास्ट में ऐड कर दूंगा। फिर मैंने इसमें वाटर ऐड करना शुरू किया। टैंक में वाटर ऐड करने के बाद जब सैंड भी नीचे सेटल हो गया तो कुछ इस तरह का लुक था मेरे नए टैंक का। इसमें मैंने 10 किलो नेचुरल स्टोन्स, 3 किलो ब्लू सैंड, एक आर्टिफिशियल डेकोरेशन और एक आर्टिफिशियल प्लांट ये यूज़ किया है। वैसे प्लांट मैं कुछ देर में लगाऊंगा इसी वीडियो में। फिर मैंने इसमें वो प्लांट भी लगा दिया और अब बारी थी फिल्टरेशन की। फिल्टरेशन के लिए मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल फिल्टर, जिसके स्पॉन्ज के बीच में मैं बायोमीडिया ऐड करूँगा और ये इंटरनल फिल्टर 2400 घंटे चलता रहेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन इंटरनल फिल्टर्स का रिव्यू दूंगा और ये कितने एफिशिएंट है ये बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने बायोमीडिया में क्या यूज़ किया है इसका पूरा डिटेल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ताकि ये वीडियो थोड़ी छोटी रहे। मैंने एंटी क्लोरीन अच्छे से इस टैंक में ऐड करके कुछ घंटों के लिए फिल्टर को चलने दिया और लास्ट स्टेप था इन फिशेज को ऐड करना। मैंने स्टार्ट में जो टब में पानी निकाल रखा था उसे भी इस एक्वेरियम में आधा से ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि एक ही समय पर पूरा वाटर चेंज करना और फिल्टर भी चेंज कर देने से जो गुड बैक्टीरिया है वो टैंक में रहेंगे नहीं। इसलिए मेरे टैंक के पहले वाले पानी को मैंने अलग से निकाल रखा था जिसे मैंने वाटर फिल करते टाइम दोबारा से इस टैंक में डाल दिया था। मैंने अपने हाथों से सारे फिश को ऐड कर दिया इस न्यू सेटअप के बाद। एक टाइम था जब मुझे इन फिश को छूकर अजीब सा लगता था, पर अब मैं इन्हें आराम से पकड़ लेता हूँ सिर्फ प्लेको को छोड़कर। प्लेको का स्किन काफ़ी हार्ड है और आपको पता हो तो उसे कुछ जगह आर्मर्ड कैटफिश भी बोलते हैं। और फाइनली मेरा न्यू टैंक सेटअप रेडी था। इस इंटरनल फिल्टर में स्प्रे बार लगा हुआ है जिसके कारण फिल्टर से बाहर आने वाले वाटर फ्लो से मेरे फिशेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस स्प्रे बार के कारण वाटर कम प्रेशर से टैंक में मूव करते हैं। ये जो छोटे साइज के फिशेस होते हैं इनको वैसे भी तेज़ वाटर फ्लो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब एक्वेरियम शॉप वाले ने ये टैंक सेटअप किया था तो उन्होंने इसमें 40 वाट का टॉप फिल्टर लगा दिया था जिसके फ्लो से मेरे फिश स्ट्रेस में आ जाते थे और मैं उस फिल्टर को 24 घंटे में 10 से 15 मिनट ही चलाता था। पर जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे हम काफ़ी कुछ सही या गलत इस हॉबी में सीखते जाते हैं। तो बहुत हो गई बातें, अब आप एंजॉय करें इस व्यू का।